दोस्तों, कई बच्चों को मैथ से डर लगता है। कई बच्चे मैथ से दूर भागते हैं। पता है उसके रीजंस क्या हैं? बहुत ही छोटे छोटे रीजंस हैं। उन रीजंस को अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लो ना, तो बस फिर मैथ से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, पहला रीजन तो ये है कि भाई, बचपन से लेके आज तक आपसे हर बार मैथ्स के ही नंबर पूछे गए। जी हाँ, आपकी मम्मी इंग्लिश के मार्क्स कभी नहीं पूछती थी, लेकिन हाँ, मैथ्स में नंबर कितने आए ये जरूर पूछती थी। आपके घर में जो आपके रिलेटिव आते थे वो पूछते थे, अच्छा बेटा बताओ मैथ्स में कितने नंबर आए। तो इस तरह से धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रेशर सा डेवलप हो गया है। उस प्रेशर से आप थोड़ा डरने लगे हो मैथ से, आप परेशान हो जाते हो। इसीलिए आपने अपने आप धीरे धीरे मैथ्स को दूर कर दिया। रीजन नंबर टू, आपको लगता है कि मैथ्स बहुत डल सब्जेक्ट है। चाहे इंग्लिश भी क्यों ना हो, चाहे फिजिक्स भी क्यों ना हो, चाहे बायो भी क्यों ना हो, आपको अपने आप से वो सब्जेक्ट हल्का सा रिलेटेड लगता है। आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व आसानी से कर लेते हो। लेकिन नंबर्स, फिगर्स, शेप्स, इसमें पर्सनल कांटेक्ट आप ढूंढ नहीं पाते, इसीलिए आप मैथ से दूरी बना लेते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि मैथ्स को रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करो। जी हाँ, हमारी बचपन से ही एक ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि भाई, आप चाहें तो अपने हर डेली रूटीन में मैथ्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और इससे आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आपको लगता है कि यार, जब भी मैथ्स की बात होती है तो मेमोराइजेशन की बात होती है। आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे थियोरम्स याद करने पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ती हैं। लेकिन आई एम रियली सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स एक ऐसे वॉर की तरह है जिसमें आप अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को जितना ज्यादा वॉर से पहले सही करेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, उतना अच्छा आप उस वॉर में लड़ेंगे। जैसे कि अगर आप किसी से फाइट करने वाले हैं, तो उस फाइट पे आप जीतेंगे कि नहीं, ये डिसाइड करता है कि आपने उस फाइट से पहले खुद को कितना स्ट्रांग बनाया है, कितनी एक्सरसाइज करी है, कितने पावर अपनी बॉडी में लेके आए हैं आप। फाइट के दिन आप अगर बिना तैयारी के चले जाओगे तो भैया वैसे ही हार जाओगे। इसीलिए मैथ्स भी उसकी तरह है। आप कितनी पहले से उसमें तैयारी कर रहे हैं ये मैटर करता है। मैथ्स के क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आपने उसके फॉर्मूलों को कितने डीपली समझा है, रटा नहीं है, समझा है, डिराइव किया है, कंक्लूजन निकाला है, प्रॉपर्टीज को अच्छे से बैठ के समझ कर आपने थ्योरम्स को अच्छे समझी है, उसके बाद जब क्वेश्चन पे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेमोराइजेशन नहीं है मैथ्स। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो आराम से चीजें याद भी हो जाती हैं और क्वेश्चन भी आराम से बन जाते हैं। लेकिन लोग यूजुअली करते क्या है, तुरंत फटाक से क्वेश्चन खोलते हैं और वो फिर फंस जाते हैं। यही हमारा रीजन फोर भी आता है कि भाई, हम उसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं तो हमारा अपने आप धीरे 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 इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। लेकिन आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि भाई, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआत में टाइम लगता है। और मैथ्स एक ऐसे पजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह है ना, कि वो आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर पाती। जी हाँ, वो चाहती कि आप उसके पास रहो, हमेशा मैथ्स करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना आप मैथ्स को अपने साथ रखोगे, वो उतने लंबे टाइम तक आपका साथ देगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि यार, 3 दिन के बाद मैथ्स करूंगा, 3 दिन छोड़ देता हूँ मैथ्स को, 4 दिन का गैप ले लेता हूँ, 5 दिन का गैप लेता हूँ, तो भैया ये गर्लफ्रेंड आपको टिच कर देगी। और ऐसे ही लोगों को मैथ्स टिच करता है और परेशान करता है। रीजन नंबर 5, बढ़िया आराम से लोग अपने गद्दे पे लेट जाते हैं, सोफे पे लेट जाते हैं और बढ़िया मैथ्स की किताब को ऐसे वो खोल के बढ़िया पलटाते रहते हैं। भाई, इंग्लिश नहीं है, ये लैंग्वेज नहीं है, ये लिटरेचर नहीं है, इसमें आपको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। वो भी ऐसे लेट के मैथ्स पढ़ाई नहीं की जाती। आपको प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के रजिस्टर पेन लेकर
प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी, तब आपके काबू में आ पाएगा ये मैथ्स। बाकी आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो, मैथ्स मैराथन है ही, आप मैथ्स रेडी की ऐप पर जाकर डाउनलोड कीजिए मैथ्स रेडी ऐप, और बिलीव मी शानदार काम होने वाला है, मजा आने वाला है, झमाझम चल रहा है मैथ्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राहुल दागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Thank you.